नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी अजय मेरू एक्सप्रेस चैनल। मैं हूं शरद। शुरू करते हैं एक्सप्रेस पर्सनैलिटी सीरीज़ का 14वां संस्करण। ये संस्करण अपने आप में एक ऐसा संस्करण है जो लेकर के आया है एक ऐसे व्यक्तित्व को जो सर्वमान्य जन सेवक के रूप में पुष्कर शहर की सेवा करते आए हैं। शुरू होता है एक दशक से भी अधिक का राजनैतिक सफ़र। ये तो सक्रिय है, इसके पीछे जब वो अपना सोच विचारधारा ये सब बना रहे थे तब का समय अलग था, लेकिन पिछले दो चुनावों से वो लगातार जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के द्वारा चुने आ रहे हैं। वार्ड परिसीमन के भी मार उसमें थी, ऐसे वार्ड जो परंपरागत अन्य दलों के हुआ करते थे उसमें भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण लीड लेकर के जीत हासिल करी। समाज सेवा में भी पीछे नहीं हटते हैं, जनहित के मुद्दों से भिड़ पड़ते हैं, अपने ही पार्टी के पदाधिकारियों से, अपने खुद के बोर्ड से। एक ऐसा व्यक्तित्व जो रखता है जज्बा, जो रखता है अपना एक अलग मुकाम राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में और जन सेवक के रूप में। दोस्तों, इस संस्करण में आज के एक्सप्रेस व्यक्तित्व के रूप में हम मिलने जा रहे हैं पुष्कर के उस विशालकाय शख्सियत, उस विशाल परिचय को जो इन दो शब्दों में सिमट करके हमारे सामने आता है, वो हैं श्री महेश पाराशर। पेशे से, व्यवसाय से आप बहुत सार की फहरिस्त है आपके पास। आप पूर्व में कपड़ा व्यापार एक्सपोर्ट संघ जो हुआ करता था उसको बनाने का श्रेय आपको जाता है। उसके बाद में वर्तमान में कपड़ा व्यापार संघ जो है उसके आप अध्यक्ष हैं, रेस्टोरेंट संचालक हैं। इन सभी व्यस्तताओं के बाद भी जनसेवा, जनहित, लोकहित के मुद्दों को वो नहीं भूलते हैं। अपने व्यस्त समय में भी आप उन्हें फ़ोन करें और जनहित के किसी मुद्दे के लिए बुलाएं तो आप स्वयं देखेंगे कितनी तत्परता और कितनी असरदार तरीके से वो आपकी समस्या को न सिर्फ उठाते हैं, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भी ये व्यक्ति आपके कार्य के लिए पूरा प्रयासरत रहेगा। हैट्रिक लगाने वाले पार्षद श्री महेश पाराशर आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जानते हैं कैसे सफ़र शुरू। महेश जी, अभी जो चर्चा में जो चल रहा है ये है कि आप लगातार दो बार पार्षद रह चुके हैं, लगातार अब ये तीसरी हैट्रिक आप लगाना चाहेंगे या क्या? अभी परिसीमन में वार्ड में समस्याएं हैं, सीटें चेंज हो गई, लेकिन आप एक लोकप्रिय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या हैट्रिक लगाने का मन है या नहीं? शरद जी, जहाँ तक हैट्रिक की बात है, ये सब जन भावनाओं के अनुरूप अगर जनता की भावनाएं होगी और जनता अगर चाहेगी तो मैं जन सेवा के लिए उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहूँगा। दो बार मैंने जनता के एक सेवक बनकर के काम किया है और अगर फिर जनता अगर चाहेगी तो मैं उनके सेवाओं के लिए तैयार हूँ। ये आपके वार्ड में तो परिसीमन का बहुत स्पष्ट संकेत आ चुका है। अभी जो 25 वार्ड बने हैं उसमें आपके वार्ड में तो काफ़ी सारे का मामला ही बदल गया, तो क्या आपकी जनता आपका वार्ड ही एक क्षेत्र है या आप और कहीं से भी? जहाँ तक जन सेवा का भाव लेकर के जहाँ मैं राजनीति में आया हूँ, तो एक क्षेत्र विशेष से जुड़ना या एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर ही मैं सीमित रहना नहीं चाहता। मेरा कहने का मतलब, पुष्कर नगर मेरा नगर है, पुष्कर के नगर नागरिक मेरे हैं, पुष्कर तीर्थ मेरा है, तो यहाँ जहाँ से भी मुझे सेवा का मौका मिलेगा इस नगर के लिए या जहाँ से भी मैं सेवा कर सकूँ इस नगर के लिए, नगर के लोगों के लिए, तो मुझे आत्मिक शांति मिलती है कि मैंने नगर के लिए कुछ किया है, मैंने यहाँ के जनता के लिए कुछ आवाज़ बन करके कुछ करने का प्रयास किया है। ये जनता जनार्दन है, इस तरीके की बातें राजनीतिक शब्दावली में हमेशा सेट रहती है महेश भाई साहब, लेकिन आपके ऊपर फोकस क्यों हुआ, क्यों आपके ऊपर ये कार्यक्रम बनाया गया? उसका रीज़न ये है कि आप लगातार एक दशक से पार्षद हैं,
अब हैट्रिक की तैयारी है, आपकी जब हैट्रिक की तैयारी है तो जनता डेफिनेटली आपके तरफ देखती है कि इस बार हमारा जनप्रतिनिधि क्या चाहेगा, किस तरीके से वो हमारी आवाज़ को बुलंद करेगा। लोग काफ़ी उम्मीदें कर रहे हैं आपसे, काफ़ी सारे कि आपके पक्ष में, आपके विरोध में, दोनों तरफ के खेमे बुलंद हैं, क्या कुछ चल रहा है ये? मेरा जहाँ तक है, मैं नगर की सेवा सबसे मेरी प्राथमिकता पुष्कर सरोवर के अंदर जाने वाले बरसात के दौरान गंदे जल के रोकने के लिए मैं एक जनता का प्रतिनिधि, यहाँ की जनता का प्रतिनिधि बनकर के अपनी जनता की आवाज़ को आप लोगों के माध्यम से, नगरपालिका बोर्ड के माध्यम से, हमारे चेयरमैन साहब के माध्यम से, विधायक महोदय के माध्यम से, मैं इस आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठा करके यहाँ की इस समस्या के बारे में उनका ध्यान आकर्षित करता रहता हूँ और आगे भी, क्योंकि ये पूर्ण रूप से समस्या अभी हल नहीं हो पाई है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये समस्या हल हो। हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मामला, मर्यादा से जुड़ा हुआ मामला, साथ ही यहाँ के युवाओं के लिए मैं पिछले 2 दशक से प्रयासरत हूँ मेरे खेल प्रेमी भाइयों के साथ मिलकर के, कि हम यहाँ के युवाओं के लिए एक अच्छा सा खेल का एक प्लेटफॉर्म, मैदान दे सकें उन्हें, ताकि उनकी सोच को हम सकारात्मक दिशा के अंदर ले जा सकें। आज का युवा कल का भविष्य है, तो पुष्कर का भविष्य और संवरा हुआ भविष्य हो, ये मैं देखना चाहता हूँ। अब देखो आगे जनता क्या आदेश करती है, वो उसी आधार पर मैं काम करूँगा। अब लगातार पार्षद बनने का ही श्रेय नहीं है, वर्तमान में आप जिला आयोजना समिति के भी सदस्य हैं, इसके अलावा आप जो नियम उपविधि समिति है, बायलॉज कमेटी पुष्कर नगर पालिका की, उसके भी आप अध्यक्ष हैं। तो ये बायलॉज कमेटी में रहते हुए आपने क्या महसूस किया, क्या कुछ आपने वहाँ करने की कोशिश करी और वो मूर्त रूप नहीं ले सका? मैं पिछले 15-20 सालों से व्यापारिक संगठन का प्रतिनिधि होने के नाते मैंने कई अधिकारियों के साथ में जो मीटिंगें होती थी उनमें भी सम्मिलित हुआ। वहाँ भी मैंने पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई। यहाँ पुष्कर के अंदर धार्मिक आस्था को लेकर के यहाँ की मर्यादा, तीर्थ राज पुष्कर की मर्यादा किस तरह से बरकरार रख सके हम, ये हमारा फर्ज बनता है। तो हमने इसके लिए आवाज़ उठाई कि ये पहले जितने भी यहाँ जैसे जूते चप्पल ले जाना, खाद्य सामग्री जो सरोवर में डाली जाती है उनको, उनके लिए रोकथाम के लिए कोई ऐसा कोई नियम बना हुआ नहीं है। तो मैंने एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इसमें आने के बाद में भी मैंने ये आवाज़ उठाता रहा। इस बार मुझे हमारे सम्माननीय कमल जी पाठक ने, मुझे चेयरमैन साहब ने मुझे ये जिम्मेवारी दी नियम उपविधि नियम की, तो मेरी भावना को मेरा मूर्त रूप देने का मुझे एक मौका मिला, प्लेटफॉर्म मिला। मैंने यहाँ के विधि विशेषज्ञों की राय ली, उसमें से मैं एक नाम जो मैं लेना चाहता हूँ, हमारे आदरणीय एनके बोकोलिया जी का मुझे पूर्ण सहयोग मिला इसमें। उन्होंने, उनकी मदद से उन्होंने ड्राफ्टिंग की, उस ड्राफ्टिंग को फिर मैंने बाद में कई विधि विशेषज्ञों को भी दिखाया, हमारे पत्रकार साथियों को भी दिखाया, मैंने उसकी एक प्रति नगरपालिका के अध्यक्ष जी को, हमारे साथ सब साथियों को, नगरपालिका के अधिशासी अधिकारियों को, यहाँ तक कि तीर्थ पुरोहितों के बीच में भी उस भावना को पहुँचाया। मैंने उसके अंदर यहाँ पुष्कर तीर्थ संरक्षण अधिनियम 2018 का एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करवाया, 5-6 पेज का, उसमें सारे सरोवर से जुड़ी हुई, आस्था से जुड़ी हुई मामला, जो हम चाहते हैं कि आस्था को हम किस तरह से और ज़्यादा बरकरार रख सकें, इसके लिए कुछ ऐसा दंडनीय प्रावधान था कि अगर कोई भी इस तरह का अगर इसमें कुछ करता है तो उसमें पहले उसे समझाइश की जाए, दूसरी बार में उसके ऊपर कुछ आर्थिक दंड दिया जाए, तीसरी बार में उसको कुछ ऐसी पेनल्टी या कुछ सजा का प्रावधान था, ताकि वो लोग, जब तक भय नहीं होगा तब तक कुछ हो नहीं पाता है। तो मैंने वो ड्राफ्टिंग करवाई, ड्राफ्टिंग करवा करके मैंने मेरे चेयरमैन साहब को दिखाई और सभी साथियों को दिखाई, और सबकी सहमति से मैंने उसको फिर बोर्ड की मीटिंग के अंदर रखवाया, और हमारे वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने उस प्रस्ताव को, उस तीर्थ संरक्षण अधिनियम 2018 को यहाँ से बोर्ड मीटिंग में से पास करके आगे अधिकारियों को दे दिया। अब अधिकारियों की या किसकी इच्छा शक्ति नहीं थी या पता नहीं किस कारण से वो आगे जा नहीं पाया, अभी हो सकता है वो प्रोसेस में भी हो,
वो अगर जब यहाँ से जाकर के राज्य सरकार में जाए, राज्य सरकार में जाने के बाद में जब उसका गजट नोटिफिकेशन हो जाता है तो वो एक तरह से यहाँ का बायलॉज बन जाता है, और वो बायलॉज हमारे पुष्कर तीर्थ के संरक्षण के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये मैंने जो काम किया उससे मेरे को आत्मसंतुष्टि मिली कि मैंने पुष्कर के लिए, पुष्कर तीर्थ की मर्यादा करने के लिए अपनी तरफ से, हमारे बोर्ड की तरफ से, हमारे चेयरमैन साहब की भावनाओं के अनुरूप हमने कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है। ये तो आप एक तीर्थ पुरोहित भी हैं, तो आप उस रूप में भी शुरू से आपका जन्म से जुड़ा हुआ है ये सब कुछ, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की चाल थोड़ी अलग होती है, इसलिए ये अभी तक शायद मुकाम पे नहीं पहुंचा है, पहुंच भी जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आप कपड़ा व्यापार संघ से जुड़े थे, एक्सपोर्ट संघ का भी आपने गठन किया था, इन सारी चीज़ों के जब दौर चल रहे थे, तब आपको क्या ऐसा मुद्दा लगा शहर के मेन मार्केट को लेकर के कि जिसे आपको टारगेट करने की इच्छा हुई और फिर आपने ये सोचा कि ये मुद्दा बहुत जनहित का है और आप उसको अपने 10 साल के इस कार्यकाल में उठाते आए हैं? पुष्कर स्वच्छ हो, स्वच्छ होगा तो स्वस्थ भी होगा। पुष्कर का विकास, हम विकास करने के लिए यहाँ का जो मंडल बनता है, यहाँ का जो रिप्रेजेंटेशन होता है पब्लिक का, उस रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक जनता की आवाज़ बनकर के, जनता के आशीर्वाद से, सभी लोगों के सहयोग से, मैं नगरपालिका बोर्ड के अंदर एक जनता की आवाज़ बनकर के जाकर के मैंने यहाँ की स्वच्छता के बारे के अंदर, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के तीर्थ के लिए, मर्यादा के लिए जो भी मैंने करने का प्रयास किया, इसीलिए मैंने सोचा कि एक ये प्लेटफॉर्म ऐसा होगा कि जहाँ मैं जाकर के यहाँ की आवाज़ बनकर के, यहाँ के लोगों की आवाज़ बनकर के अपनी आवाज़ को इस माध्यम से, राजनीति के माध्यम से मैं आगे तक पहुँचा सकूँ। ये आपका 2 दशकों का जो राजनीतिक अनुभव था, जिसमें आप सक्रिय रूप से 1 दशक से पार्षद हैं, उसमें आपने ये किया, और आप चुनाव के समय में अपनी पार्टी का मीडिया मैनेजमेंट भी करते थे, उसका मीडिया प्रबंधन भी था आपका, बहुत बखूबी आपने उसको निभाया भी है। लेकिन पार्षद साहब, कहीं ना कहीं जब शुरुआत होती है तो एक सपना लेकर के शुरुआत होती है। अपन कहानी को थोड़ा सा 1 दशक पीछे लेकर के चलते हैं, जब आप एक युवा के रूप में इस शहर में तीर्थ पुरोहित और व्यवसायी के रूप में थे, क्या एक ऐसी उस समय की आपकी उपलब्धि थी कि आप राजनीति में आए, मोटिव लेकर के आए और वो मोटिव पूरा कर पाने में आप सफल रहे, ऐसा कोई एक अभूतपूर्व उपलब्धि मान सकते हैं? शुरू से चूंकि मैं खेल प्रेमी भी रहा था और अभी भी हूँ, तो मेरा ये एक सपना था कि यहाँ का युवा जो कल का भविष्य है वो एक पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से वो अपने अपना आपका डेवलपमेंट करे, वो अन्य चीज़ों की तरफ डाइवर्ट नहीं हो, वो अपने दिमाग का, अपनी शक्ति का उपयोग यहाँ एनर्जेटिक होकर के पुष्कर नगर के विकास के अंदर करे, पहले खुद स्वस्थ रहे, खुद का भी विकास हो। तो मेरा एक ध्येय था, मैंने कहा यहाँ सबसे पहले एक खेल का मैदान हो, खेल के मैदान के रूप में, और ये एक मेरी सबसे बड़ी भावना थी कि यहाँ का युवा एक खेल प्रेमी बन करके, और खेल भी कोई एक प्रकार का नहीं, अनेकों प्रकार की हॉबीज़ होती है, हॉबी के अनुसार एक इस तरह का डेवलपमेंट हो। तो मैंने यहाँ प्रयास भी किया और हम इस बोर्ड के माध्यम से सफल भी रहे हैं, हमने यहाँ पुरुता पर पहाड़ी के तलेटी के अंदर खेल का मैदान भी नगर पालिका के द्वारा अलॉटमेंट हुआ, वो लेवलिंग हो गई, सब कुछ हो गई, कुछ और विकास है जो सतत प्रयत्नशील है, सतत प्रयत्नशील है, क्योंकि नगर पालिका की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण से हम कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। हमने बाउंड्री वाल करवाई, वहाँ लेवलिंग करवाया, वहाँ बोरिंग करवाया, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का करवाया। पिछले हमारे यहाँ के ADA के जो अध्यक्ष महोदय थे शिवशंकर जी एडा, उन्होंने भी यहाँ आर्थिक सहायता करने की कोशिश की, पर कुछ कमियाँ रहने के कारण से हम उसको पूरा नहीं कर पाए, पर हम उसके लिए प्रयत्नशील हैं कि किस तरह से हम इसको और धरातल पर ला सकें, धरातल पर ला सकें। ये आपका, मैंने अभी तक जो इंटरव्यू देखा उसमें आप काफ़ी ज़्यादा फोकस हैं अपने युवाओं पे, खेल प्रेमियों पे, तीर्थ पे, लेकिन जो मसला है अभी मेरे
दर्शकों के माध्यम से जो मुझे अभी तक पूछा जाता रहा है वर्तमान में, ये सीवरेज सिस्टम आज नगर पालिका करीब 50 साल पुरानी हो गई है, ये विफल क्यों हो रहा है? ये सीवरेज सिस्टम 32 साल पूर्व में जब पुष्कर की आबादी मात्र 11,000 थी, उस आधार पर ये सीवरेज सिस्टम डाला गया है। ये हम इसको सीवरेज भी नहीं कह सकते हैं, एक तरह से 12 इंच की लाइन मैक्सिमम इसमें ड्रेनेज नुमा। तो अब वर्तमान के अंदर, पूर्व के अंदर, इसके अंदर न तो कोई बरसाती पानी को शामिल करने की योजना थी, न कोई नगर के चारों तरफ बसी हुई बस्तियों के पानी को शामिल करने की योजना थी। ये मात्र 11,000 की जब आबादी थी उस समय सरोवर के चारों तरफ जो मकान बसे हुए हैं उनका पानी सरोवर में नहीं जाए, उसको लेकर के ये योजना बनाई गई थी। उस समय अगर ये स्टॉर्म ड्रेनेज सिस्टम, अगर जो बरसाती पानी के निकासी की अलग से योजना अगर बनाई होती, तो वर्तमान में जो अभी जहाँ भी भराव हो रहा है या कुछ अन्य प्रॉब्लम्स आ रही है वो नहीं होती, क्योंकि वो उस समय मात्र 11,000 की आबादी थी, अभी वर्तमान में 25-26,000 के लगभग आबादी है। उसके अलावा भी फ्लोटिंग आबादी जो होटलों में, रिसोर्टों में वो जो आती है वो 5-6,000 पर डे के हिसाब से हम उसको भी मान सकते हैं, तो उस हिसाब से ये सफिशिएंट नहीं है। और चूँकि पहले ये PHAD डिपार्टमेंट संचालित करती थी अपने माध्यम से, अभी नगरपालिका को दे दिया, नगरपालिका के पास धनाभाव थोड़ा होने के कारण से, और जब पूरा सिस्टम अभी तक पूरा सेटअप नहीं हुआ उसी के पहले नगरपालिका ने ले लिया, हम नगरपालिका को सुपुर्द कर दिया हमने, तो इन बिना तैयारी के तो संसाधन अब हम डेवलप करने के पूरा प्रयास कर रहे हैं, और हमने काफ़ी प्रयास भी किए हैं। जहाँ भराव क्षेत्र होता है वहाँ निकासी के लिए हमारे चेयरमैन साहब के माध्यम से हमने भी प्रयास किए, जो पर ये प्रयास के अंदर अभी और आवश्यकता है, और हम इसके लिए पूरे पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। और SGP की जो योजना है वो अब बीच में किन्हीं कारणों से रुकी हुई थी, क्योंकि 2016 में ये पूरा होने का था, अब SGP की योजना का कार्य वापस चालू हुआ है। अब जब ये बन जाएगी तो काफ़ी हद तक हमें इस सीवरेज सिस्टम का जो है उसमें सुधार आने की, उसमें और सुधार आएगा। मतलब आपको लगता है कि कुछ समय बाद इस समस्या से निजात मिलने वाली है? मेरी आज ही जो अर्थ वाटर वो प्राइवेट लिमिटेड करके जो ये STP का कार्य देख रही है, उनके प्रतिनिधियों से मेरी बात हुई थी आज ही, उन्होंने बताया था कि STP का काम लगभग 60% काम पूरा हो चुका है, और अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो अगले 2 महीने के अंदर वो जो आगे जाकर के जो प्लांट बन रहा है वो 2 महीने में पूरा हो जाएगा, और यहाँ जो मेन सावित्री मार्ग के ऊपर जो प्लांट है, जो पानी लिफ्टिंग जो करते हैं वहाँ, वहाँ भी एक कुआं बन रहा है, उस कुएं के अंदर जब 3 तरह के पंप लग जाएंगे और पूरा सेंसर से सिस्टम हो जाएगा, उसमें पंप लगेंगे शरद जी, एक पंप लगेगा जो 50 लाख लीटर पर आवर लिफ्ट करेगा, एक पंप उससे ऊपर 1.5 लाख लीटर पानी जब आएगा उसको लिफ्ट करेगा, उसके बाद में तीसरा पंप 4 लाख लीटर पानी को लिफ्ट करेगा। तो इस तरह का सेंसर से, और जब वहाँ भी पूरे इक्विपमेंट वगैरह सारी जो है सिविल काम बाकी है, मैकेनिकल काम लगभग पूर्ण हो चुका है, तो मुझे आशा है कि अगर इसी स्पीड से अगर चलता रहा तो आगामी 2 महीने के अंदर ये सीवरेज सिस्टम सुधर जाएगा, तो काफ़ी हद तक राहत मिलेगी हमें। बहुत बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा कुछ होता है तो। वैसे हो नहीं रहा, धरातल में सब कागजों में हो रहा है, जो प्रोजेक्ट 3 साल में पूरे होने थे, 1 साल में पूरे होने थे, वो 3 साल में चल रहे हैं, रफ्तार पकड़ रहे हैं। अब चुनाव का समय आ गया है पार्षद साहब, तो सबको अपनी अपनी बातें रखने का मौका है, लेकिन चूँकि आप न सिर्फ नगर पालिका के माध्यम से लोगों के कामकाज करवाते हैं, बल्कि आप बरसात के समय में भी काफ़ी सक्रिय रहें, वहाँ कहीं जनहानि नहीं हो जाए। एक वाकया मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब वहाँ अचानक से बारिश से पानी भरा था और बिजली व्यवस्था थोड़ी बाधक बन रही थी, तब आपने JN साहब को फ़ोन करके और सारा बिजली इसका सेटअप बंद करवाया था, तो आप काफ़ी चर्चित भी रहे हैं सोशल मीडिया में, आप मैक्सिमम ट्रोल भी करते हैं, लेकिन इन सब के साथ एक संस्कारित परिवार भी आप लेकर के चल रहे हैं अपने साथ, जिसमें से दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस एक्सप्रेस पर्सनैलिटी सीरीज का जो पहला एक्सप्रेस इंटरव्यू हुआ था उसमें आप ही के सुपुत्र संदीप
मेरे साथ सेक्रेट पुष्कर टीम के सदस्य के रूप में आए थे। कैसा लगता है जब आपकी संतानें भी अपने जन्म स्थल को लेकर के चिंतित रहती है? जब मैं पूरे नगर के जनता के बारे में, नगर के युवाओं के बारे में सोचता हूँ, तो मैं यही सोचता हूँ कि अच्छे संस्कार मैं अपने औलादों को भी दे सकूँ, और ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद रहा है, सिद्धेश्वर बालाजी की कृपा रही है कि मेरे बच्चे एक अच्छे संस्कारित बच्चे हैं, और मुझे गर्व है कि उनकी सोच एक सकारात्मक सोच है। और पुष्कर में, पुष्कर के माहौल के अंदर रह कर के अगर इस तरह के अच्छे संस्कारों से वो जुड़े हुए हैं, तो मुझे उन पर गर्व होता है, और ये मेरी सबसे बड़ी संपदा है। दोस्तों, एक पॉज करना है यहाँ। देखिए, एक पिता अपने पुत्र से उम्मीद करता है, वो उम्मीद अगर खरी उतरती है, और एक सार्वजनिक मंच के माध्यम से जब अपने पिता के द्वारा एक पुत्र की प्रशंसा होती है, तो ये पुत्र के लिए बहुत अच्छा क्षण होता है। समाज से जुड़े रहिए, अपने परिवार से जुड़े रहिए, एक संदेश निकल करके आता है। संस्कारित बनिए, एक बनिए, नेक बनिए। पार्षद साहब आज है मेरे साथ, चर्चाओं का दौर जारी है, लेकिन चूंकि एक्सप्रेस पर्सनैलिटी है, तो यहाँ से आपने देखा कि किस तरीके से आपने अपने बच्चों को संस्कारित किया, और एक्सप्रेस पर्सनैलिटी के अंदर पहला इंटरव्यू मुझे उन तक जा कर के उन्हें यहाँ बुलाना पड़ा, और उन्होंने बहुत अच्छे प्रयास भी किए हैं। आप भी करते रहिए, आप भी जारी रहिए, समाज बदलेगा, देश बदलेगा, लगातार ये कवरेज जारी रहेगी। चलिए, दौर फिर से शुरू करते हैं राजनीतिक चर्चाओं का। महेश जी, भाई साहब, अब हैट्रिक की तैयारी है, तो क्या मिशन लेकर के आप, अगर आप जैसा कहते हैं कि भाई जनता अगर आपको फिर से बाध्य करती है, क्योंकि सीट तो आपकी वार्ड की बदल चुकी है, अन्य वार्डों से भी आपके नाम की अनुशंसाएँ आ रही है, क्या एक टॉप 5 एजेंडाज जो आप पूरा करना चाहेंगे, क्या अभी इनकम्प्लीट हैं? 5 संक्षेप में कि 5 मेरी ये उपलब्धियां मुझे पूरी इस अगले कार्यकाल में करनी है। मेरा सपना है, सबसे पहले तो हमारा नगर स्वच्छ हो, उसके लिए वर्तमान बोर्ड ने काफ़ी हद तक प्रयास किए हैं, सतत प्रयत्नशील है। तो हमारे पुष्कर तीर्थ के अंदर, सरोवर के अंदर जाने वाले पानी, बरसात के दौरान जो गंदा पानी जाता है, उसकी रोकथाम के लिए हम कुछ आवाज़ उठा सकें, सबसे पहले तो मेरी ये प्राथमिकता होगी जी। उसके बाद में यहाँ के युवाओं के लिए जो खेल मैदान अभी पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो पाया है, वो पूरा हो, वहाँ अगर बच्चे खेलते हुए जब मुझे नज़र आएंगे, तो उस दिन मैं मानूंगा कि मेरा ये सपना भी पूरा हुआ। दो साथ में यहाँ स्वच्छंद विचरण कर रहे गौएं, गौ माताएं जो नगर के अंदर विचरित कर रही है, उनके लिए एक स्थान, निर्धारित स्थान हो, जिसके लिए नगरपालिका ने अभी प्रयास भी किए हैं, और 20 बीघा जमीन अलॉटमेंट भी करी है, क्योंकि नगरपालिका की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण हम प्रयास तो करते हैं, पर उस प्रयास को धरातल पर उतारने के लिए आज शरद जी कम से कम 50,000 रुपये रोज का उनके गौओं के चारे की व्यवस्था वहाँ करने भी आवश्यकता होती है। हम मानते हैं कोई इस तरह की आर्थिक अगर आवश्यकता पड़ेगी, तो नगर के सारे अच्छे लोग मिलकर के, सभी अच्छी संस्थाएं मिलकर के इस हेतु प्रयास करेगी। नगरपालिका ने अपनी तरफ से ज़मीन वगैरह अलॉटमेंट करा करके उपलब्ध कराई है, तो ये प्रयास जारी है ताकि एक अच्छी गौशाला बने यहाँ, वो भी मेरी एक भावना रहेगी। यहाँ का जो डिपॉजिट होता है, यहाँ की निचली बस्तियों के अंदर जो पानी, जिसके कारण से यहाँ के हमारे बाशिंदों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसका कोई समुचित प्रबंधन हो, इस हेतु भी मैं प्रयासरत हूँ, और हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय भी पॉजिटिव है, और वो भी यही सोच रहे हैं कि अगर मैं ये काम कर पाया तो मुझे एक बहुत सुकून मिलेगा, तो मुझे आशा है कि ये भी हो जाएगा। और पांचवा चुनाव लड़ने का जहाँ तक सवाल है, चुनाव जनता की भावना का सम्मान है, बाकी मैं ऐसा कोई नहीं सोचता हूँ कि एक चुनाव ही सब कुछ है। ये नगर अपना नगर है,
तो ये कैसे स्वस्थ हो हमारा यहाँ का युवा, यहाँ एक अच्छा उनको खेलने के साथ में उनको एक एजुकेशन का पॉइंट भी मिले। यहाँ हमारे पुष्कर के अंदर आप देखेंगे कि एक अच्छे शिक्षण संस्थान का भी अभाव है जी, एक अच्छे हॉस्पिटल की भी आवश्यकता है, एक अच्छे अस्पताल की आवश्यकता है। इसके लिए मैंने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के मेंबर होने के नाते मैंने वहाँ एक अच्छी मोर्चरी हो, यहाँ यहाँ का ब्लड बैंक हो, हालांकि काफ़ी सुविधाएं अभी जन सहयोग से हो रही है। आज भी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था यहाँ डिजिटल एक्सरे चालू होने जा रहा है, यहाँ हमारे अभी रामावत जी की प्रयासों से यहाँ सोनोग्राफी मशीन भी हुई है। तो मेरी भी एक भावना है, चूँकि यहाँ ये एक इंटरनेशनल टाउन मान करके चलते हैं हम यहाँ, और यहाँ का पूरा एरिया भी कवर करता है ये पुष्कर का अस्पताल, तो यहाँ अस्पताल के अंदर समुचित व्यवस्थाएं हो और एक अच्छा सा भवन हो अस्पताल का, जहाँ हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। यहाँ विदेशी पर्यटक भी आते हैं हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हम कह सकते हैं कि यहाँ श्रद्धालु आते हैं। भगवान नहीं करे यहाँ कोई किसी भी प्रकार की अनहोनी हो जाती है, सरोवर में डूबने की या इस तरह की, या कोई भी तरह का दुर्घटना हो जाती है आसपास के अंदर, तो यहाँ हमारे पास अच्छा सा ब्लड बैंक हो हमारे यहाँ। तो इस तरह की आवाज़ में जनता की आवाज़ बनकर के एक मंच के माध्यम से पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ। अब एक छोटा सा लोक सेवक होने के नाते जितनी आवाज़ उठा सकता हूँ, जितनी आवाज़ में दम होता उतना आवाज़ पहुँचाता हूँ। अब मेरे अग्रज जो राजनीति में बैठे हैं उन्हें इस बात के और थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए कि हम आवाज़ हैं जनता की, हम यहाँ के नगर की आवाज़ हैं, अब हमें आप सुनिए और यहाँ का प्रयास कीजिए। बहुत सदैव शब्दों में बोलते हैं, क्योंकि आपके परिवार में पत्रकार भी आपको सपोर्ट करते हैं, उनकी गाइडलाइन भी आपके पास रहती है, काफ़ी चुने हुए शब्दों का प्रयोग करते हैं। महेश जी, राजनीतिक जीवन अपनी जगह है, लेकिन आप समाज में भी एक अच्छा व्यक्तित्व रखते हैं, आप बहुत कुछ अच्छा करते भी हैं। सोशल आपका जो सरोकार है, जो आपका दायरा है, वो आपके वार्ड तक नहीं, आपके वार्ड से भी बाहर जाता है, आप वहाँ भी सब कुछ करते हैं। मेरा ये प्रसारण है एक्सप्रेस पर्सनैलिटी का, ऐसे व्यक्तित्व जो समाज को दशा दिशा दे सकते हैं, उनमें उनको लोग सुनते हैं या उनको सुनना चाहते हैं, तो उन्हीं में से ये चयन आपका भी है। क्या ऐसा संदेश जाना चाहिए आपकी हमारे स्टूडियो में प्रेजेंस से, आप क्या अपील करेंगे इस राष्ट्र के लिए और इस नगर के लिए? चूंकि मैं राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, जिसके अग्रज हमारे आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और अमित शाह जी है, सर्वप्रथम मैं यही चाहूँगा कि यहाँ का देश का युवा राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ में, स्वस्थ मानसिकता के साथ में, देश हित के अंदर जितना अपना सहयोग प्रदान कर सके, उसके लिए उसको खुद को मजबूत रहना होगा, उसको खुद को स्वस्थ रहना होगा, और स्वस्थ मानसिकता के साथ में वो देश विकास के अंदर कितनी सहभागिता निभा सकता है, और अपने अधिकारों के साथ में अपने दायित्वों के और अपने कर्तव्यों के का भी ध्यान में रखना होगा उसे। हम अपने केवल अधिकार का ही ध्यान रखते हैं, जब हम अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखेंगे और साथ में किसी भी तरह की अपेक्षा जब हम करते हैं, तो मेरा एक निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, किसी भी अच्छे काम की शुरुआत अपने स्वयं से कीजिए, अपने घर से कीजिए। आज यहाँ का युवा संस्कारित होना चाहता है, यहाँ हम कुछ करना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत क्यों नहीं हम खुद करें। सबसे पहले हम अपने घर से शुरुआत करें, ताकि हम एक आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत हम पहले स्वयं करके दिखाएं, और फिर हम उनमें कड़ी से कड़ी जोड़ करके आगे बढ़ते जाएं और देश हित के अंदर काम करें, राष्ट्र हित में काम करें, और पुष्कर कैसे स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, सबका साथ सबका सहयोग लेकर के हम कैसे पुष्कर को विकसित कर सकें, और कैसे इस देश का नाम, इस पुष्कर का नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, इसका हम कैसे गौरव बढ़ा सकें, यही भावना है। और यही चाहता हूँ मैं यहाँ का युवा सकारात्मक सोच के साथ में अच्छी दिशा में सतत प्रयत्नशील रहे, देश हित का नगर हित का ध्यान रखे। मैं लोक सेवक हमेशा आपकी भावनाओं के साथ में, आपका एक सेवक बन करके आपके साथ में हूँ।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आप स्टूडियो में पधारे, बहुत ही अच्छा लगा। शुभकामनाएं आपके यशस्वी जीवन की। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जब अजमेरु एक्सप्रेस हुआ था उस समय भी मैं सहभागी था आपका, और फिर ये इस डिजिटल मीडिया के माध्यम से, शरद जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जनता की आवाज़ बन करके आपके चैनल के माध्यम से, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों की, जनता के प्रतिनिधियों की, यहाँ के अच्छे लोगों की, सभी तरह की जो एक्सप्रेस पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी आवाज़ बन करके आप सभी लोगों तक पहुंच रहे हैं, और उनका समाधान हो और एक अच्छा संदेश जाए। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।